अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं मुखातिब हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ से। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे। मुल्तानी मिट्टी का जो मास्क है वो बहुत ही नेचुरल और हर्बल है। इसे आप 100% नेचुरली प्रोडक्ट ले सकते हैं और इसे आप आसानी से मार्केट से ले सकते हैं, और ये मास्क इंसानी जिल्द के लिए बहुत ही मुफीद है। ये आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क मार्केट से या तो आप पत्थर भी खरीद सकते हैं या आप उसको तैयार पिसा हुआ पैकेट में आता इस तरह मिल सकते हैं। और इसका आसान तरीका है जो आपको मैं वीडियो में आगे बता सकता हूँ। ये आपके चेहरों में जो यहाँ पिंपल्स और एक्नी वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद है। आप इससे हर तरह के चेहरे के चाहे यहाँ और आपका चेहरा अगर धूप से ढल हो चुका है तो ये आप मास्क इस्तेमाल करके आसानी से अपना चेहरा ग्लो कर सकते हैं। और ना ही इतना कोई हर्बल चीज़ है, ये मार्केट में ये तैयार भी मिलता है। और आपको अगर नेचुरली चाहिए तो आप बिल्कुल इसको नेचुरली पाउडर भी ले सकते हैं और पत्थर लेकर पीस भी सकते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी का मास्क किस तरह तैयार होता है ये आपको मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। ये आप बिल्कुल ही कुदरत का ये ख़जाना, ये भी एक तरह से ये मार्केट में मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल तैयार भी मिलती है। या वीडियो में दे सकते हैं कि आप एक बॉल ले लीजिए, बिल्कुल कांच का हो या प्लास्टिक का हो, जिसमें 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी डालें और उसके अंदर एक नींबू डालें। नींबू डालने से नींबू के अंदर होता है विटामिन सी। विटामिन सी से बहुत ही चेहरे में फ़ायदा होता है इस्तेमाल करने से। तो आप नींबू आधा डालेंगे एक, और इसके अंदर जितना आपको गुलाब का पानी डालेंगे या आप गुलाब का तैयार पानी लें। मैंने तो कड़छी का गुलाब का पानी लिया है। अगर आप चाहें तो नेचुरली बनाने के लिए आप गुलाब की पत्तियाँ लेकर उसका पानी उबाल सकते हैं और उसको डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह मैं नींबू कांच की बोल में ही काट के रखा हुआ है। तो मैं ये नींबू डालूँगा इसके अंदर और नींबू पूरा जो है वो इसके अंदर डाल दूँगा। आधा बीज पहले से इसके अंदर निकाल दूँगा मैं, और फिर इसके बाद मैं इसमें जो है वो गुलाब का पानी डालूँगा। ये मास्क आप बिल्कुल ही, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसके अंदर एलोवेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं बना रहा हूँ ऑयली स्किन के लिए, तो ये बॉयज़ एंड गर्ल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही फ़ायदा, अगर आप कहीं धूप में घूमते हैं, बहुत ही ज़्यादा धूप में आप घूम चुके हैं, आपका स्किन डल हो चुकी है और आपका कलर वैसे ही ग्लो है, नेचुरल तौर पर आप गोरे हैं तो आपका स्किन डल हो चुका हो, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे डेली, ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ना इसका कोई नुकसान है। तो आप ये इस्तेमाल करके अपने चेहरे को दोबारा असली रंगत पर ला सकते हैं वह आसानी, ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। आसानी से आप इसको बना सकते हैं। गुलाब का पानी आप इसके अंदर डालेंगे जितना आपको ये, अगर आप स्किन आपकी, मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर स्किन आपकी ड्राई है तो आप इसके अंदर एलोवेरा भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसके अंदर ये नींबू ही डालें और आप इसको पतला बनाएं बिल्कुल पानी सा, और 2 चम्मच ये बहुत ही काफ़ी है मुल्तानी मिट्टी। तो ये आप बिल्कुल ही, लोगों को इस्तेमाल तरीका इसका आता नहीं है और ये जो है वो तभी इसको फ़ायदा नहीं होता। इसको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदेमंद साबित होगा, वरना ये आपको फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। क्योंकि ये एक तरह से जिस चीज़ का आपको अगर पता ही नहीं होगा कि भाई आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा देगी ही नहीं। आपको जिस चीज़ का सही तरह से इस्तेमाल करने का फ़ायदा पता ही नहीं होगा भाई ये किस तरह इस्तेमाल होती है चीज़, तो आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैं बना रहा हूँ चम्मच से। आप भी इसी तरह से कांच की प्लेट लेंगे और ना कांच के बॉल में सब रखेंगे, या तो स्टील की मैं नहीं रखते तो इसलिए आप कांच का ही इस्तेमाल कीजिएगा, या प्लास्टिक हो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मास्क बनाने के लिए बिल्कुल आसान है। तो आप ये देख सकते हैं ये मैं मास्क बना रहा हूँ, आसान है बिल्कुल, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, और मार्केट से आसानी से आपको ये मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। तो आपको इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये हर्बल मास्क से आपको इसको हर्बल चीज़ इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हर्बल चीज़ इस्तेमाल करने से बिल्कुल हर चीज़ में फ़ायदा ही है, और आपके पिंपल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, इससे ऑयली स्किन भी बिल्कुल सही हो जाएगी। आप इसका रिज़ल्ट आप खुद ही चेक कर सकते हैं। आप एक दफ़ा 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, आपको एक दफ़ा लगाएंगे आपको जब यह आपका मास्क सूख जाएगा बिल्कुल आपका चेहरा, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा एक तरह से कि किस तरह आपका चेहरा सूख गया है मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाने के बाद। तो आप इसको आसानी से फिर उसको धो लीजिए, धोने के बाद आप खुद ही आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। आप एक अपना बिफ़ोर और आफ्टर का फ़ोटो लेकर चेक कर सकते हैं, और आप इसको डेली इस्तेमाल करेंगे या हफ्ते में 3 बार 4 मतलब तो भी आप इसका रिज़ल्ट आसानी से देख सकते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट है। अब हमारा मास्क बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसके अंदर गुलाब का पानी डाल के और भी इसको पतला कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
हेल्थ इज़ वेल्थ।